नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, RSM SSB लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो आयोजित 28, 29, 30 जून को आयोजित होने वाली है, इसको लेकर कल दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और ट्विटर पर भी लगातार दोस्तों अभियान है वो चलाया जा रहा है। लाखों विद्यार्थी इसमें शामिल रहे, ये देख सकते हैं। जयपुर की तरफ से अपडेट आई है दोस्तों, RSM SSB प्रयोगशाला सहायक भर्ती 28, 29 जून को जो परीक्षा हो रही है दोस्तों, और अब 30 जून भी कर दी गई है, इसको पोस्टपोन करने को लेकर छात्र लगातार ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं, क्योंकि UG PG की एग्जाम चल रही है दोस्तों, जी मेंस की भी एग्जाम है और यहाँ पर एक अन्य एग्जाम भी है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो लाखों छात्र यहाँ पर, सैकड़ों छात्र उपस्थित रहे और बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा को नोटिस दिया कि आप एग्जाम डेट में बदलाव कीजिए। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच हाईकोर्ट में भी रिट याचिका लग चुकी है और कल सोमवार को आपको इसको लेकर बैठक और निर्णय है वो दोनों दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दूँ, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा जो आपकी आयोजित करवाई जा रही है, इसकी एग्जाम डेट में आंशिक संशोधन करके अब इसकी जो एग्जाम डेट है दोस्तों वो आपकी कर दी गई है 30 जून और कर दी गई है। जबकि आपको बता दूं, प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो हो रही है दोस्तों, उसी के दिन आपकी बिजली प्रशासन निगम की LDC भर्ती परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा और पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की जो तिथियां भी क्लैश हो रही हैं दोस्तों 2 जुलाई को, इसीलिए इस एग्जाम डेट में बदलाव किया जाए। कांस्टेबल की परीक्षा एक बार चेंज की जा सकती है, पहले आपकी 21 जून थी लेकिन अब 2 जुलाई कर दी गई, लेकिन 2 जुलाई को भी एग्जाम डेट आपस में टकरा रही है, इसीलिए छात्र असमंजस में, ये दे सकते हैं असमंजस में, अभ्यर्थी एग्जाम डेट आपस में टकरा रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो एग्जाम डेट में संशोधन करके पहले आपके जो है 28 और 29 को आयोजित हो रही थी, अब 30 जून को भी होगी। तो UG PG की एग्जाम दोस्तों जुलाई तक चलेंगी, तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके, सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे होंगे दोस्तों जिनकी एग्जाम डेट एक साथ दो पड़ेंगे, क्योंकि UG की भी एग्जाम रहेंगी, PG की भी एग्जाम रहेंगी। वहीं एडमिट कार्ड को लेकर बोर्ड ने अपडेट भी कर दिया है कि ई प्रोविजनल एडमिट कार्ड जल्द ही वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए अलग से आपको यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी बोर्ड को ये नहीं भूलना है कि इस भर्ती को आयोजित करवाने से पहले जी मेंस की एग्जाम डेट भी है, लाखों विद्यार्थी जी मेंस के लिए आवेदन करते हैं दोस्तों, और रिट याचिका तो लग चुकी है लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। इसमें अभी दोस्तों 50% छात्र बोल रहे हैं कि एग्जाम डेट में बदलाव हो, 50% इसके लिए दोस्तों एग्री नहीं है कि एग्जाम डेट में बदलाव होना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों बोर्ड है वो अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहा है, लेकिन हो सकता है कल सोमवार को जो बैठक होने वाली है उसमें आपका अंतिम फैसला आ जाए और लैब असिस्टेंट भर्ती की एग्जाम डेट में बदलाव हो। आपकी क्या राय है, बदलाव होना चाहिए नहीं, कमेंट जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।